Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the placoid scales and its development. Placoid scales fishes में present होते हैं, यहाँ हम fishes की बात करेंगे. तो placoid scales का origin किस तरह से होता है, अच्छा different type के scale कौन कौन से हैं, placoid scales किन species में present होता है, उसका क्या structure होता है, क्या homologies होती हैं, इसके अलावा इनका development कैसे होता है. तो all these इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो भी प्लैकोइड स्केल्स क्या हैं, आपके एक्टोडर्मली डेरिवेटिव्स होते हैं. इन मैनी वर्टिब्रेट्स एक्सोस्केलेटन कवरिंग द बॉडी इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स और डर्मल स्केल्स. एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं ये आपके टेरिस्ट्रियल हैबिटाट्स में प्रेजेंट होते हैं लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. लेकिन डर्मल स्केल्स जो होते हैं ये आपके मेसेनकाइमल ओरिजिन में प्रेजेंट होते हैं और फिशेज में प्रेजेंट होते हैं. तो दे आर स्मॉल थिन कॉर्निफाइड कैलकेरियस और बोनी प्लेट्स विच फिट क्लोजली टुगेदर टू ओवरलैप. आपके जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जो कि फिशेज की हम बात कर रहे हैं, दे आर स्मॉल थिन कॉर्निफाइड कैलकेरियस और बोनी प्लेट्स विच फिट क्लोजली टुगेदर और ओवरलैप. एज रिगार्डेड द अरेंजमेंट ऑफ स्केल्स ऑन फिशेज बॉडी इज कंसर्न, they are most often imbricated and thus overlap like shingles on the roof with their free margins directed towards the tail so as to minimize the friction of water. देखिए जो aquatic animals हैं उनमें fish scales का जो arrangement है वो भी एक तरह के adaptation में count होता है कि fishes में जो adaptation है. स्केल्स के बहुत सारे रोल होते हैं लेकिन जो इनका अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है कि वो फ्रिक्शन जो वाटर है उसको मिनिमाइज कर सकें. फिशेज में बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं फॉर देयर एक्वाटिक हैबिटेट, तो उनमें स्ट्रीम लाइन उनकी बॉडी होती है और इसी तरह से जो स्केल्स का अरेंजमेंट है वो भी कुछ इस तरह का होता है कि वो फ्रिक्शन जो वाटर का होने वाला है उसको वो मिनिमाइज कर सकें. स्केल्स जो है वो वेरी इन साइज एंड शेप इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग टाइप की हो सकते हैं. द बॉडी ऑफ ऑल द फिशेज एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ सिलुरिडी एंड फ्यू बॉटम ड्वेलर्स आर कवर्ड बाय द स्केल्स. तो सिलुरिडी फैमिली और कुछ बॉटम ड्वेलर्स हैं जहाँ पे आपको स्केल्स देखने को नहीं मिलते, बाकी सभी में स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं. स्केल्स जो होते हैं इनमें तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं. इनर मोस्ट लेयर जो होती हैं ये आइसोपीडियन कहलाती हैं, इंटरमीडिएट मिडिल लेयर जो होती है स्पॉन्जी लेयर कहलाती हैं एंड आउटर लेयर जो होती हैं ये डेंटाइन लेयर कहलाती हैं. लेकिन इनका अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग स्केल्स में अलग अलग होता है. लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे प्लैकोइड स्केल्स की. बेसिकली आपका प्लैकोइड स्केल सिलेबस में दिया हुआ है. क्लासिफिकेशन दो तरह से हम इसे क्लासीफाइड करते हैं, प्लैकोइड स्केल्स एंड नॉन प्लैकोइड स्केल्स. एनोस्मा ब्रैंकियस फिशेज जो होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज जो होती हैं, वहाँ पे आपको प्लैकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं. तो प्लैकोइड स्केल्स आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज. बाकी जितनी फिशेज हैं आपकी प्रिमिटिव फिशेज हैं, एडवांस्ड बोनी फिशेज हैं, इन सभी में आपको नॉन प्लैकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं. तो इसमें आपके कॉस्मॉइड स्केल्स, ग्नेयोइड स्केल्स, रोम्बोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स एंड टीनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. ये आपके डिफरेंट टाइप के स्केल्स की स्लाइड है जिसमें हमने प्लैकोइड स्केल्स, ग्नेयोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स एंड टीनोइड स्केल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. नाउ फर्स्ट कम एट लास्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि आपका प्लैकोइड स्केल है. दीज स्केल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलस मेंब्रेन के फिशेज और शार्क्स ओनली. ये सिर्फ और सिर्फ शार्क्स में, एलस मेंब्रेन के फिशेज में प्रेजेंट होते हैं. Each scale has a disc-like basal plate embedded in the dermis and a spine projected out through the epidermis. दो parts में ये बना हुआ होता है, basal disc होती है and spine होता है. Basal disc जो होती है ये आपके epidermis में embedded रहती है, लेकिन spine जो है वो body से बाहर निकला हुआ रहता है, epidermis से बाहर निकला हुआ रहता है. In structure, a placoid scale resembles a tooth. इनका जो अरेंजमेंट है यानी होमोलोगस, अगर हम होमोलॉजी की बात करते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स वे होते हैं जिनका बेसिक डेवलपमेंटल प्लान या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिमिलर होता है. तो अगर हम प्लैकोइड स्केल को कंपेयर करना चाहें तो प्लैकोइड स्केल्स आर रिजेंबलिंग विद द टूथ. अगर आप टूथ का डेवलपमेंट देखते हैं या प्लैकोइड स्केल का डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंटली दे आर मोर और लाइक सिमिलर विद ईच अदर. The structure of a placoid scale resembles a tooth. The spine has an external covering of enamel-like, hard, transparent material called vitrodentine. This is followed by a layer of dentine enclosing a pulp cavity from which several branching dentate dentine tubules radiate in different directions. हम इसका development जब बहुत देखेंगे structure के साथ तब आपको ये slide बिल्कुल clear होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसका developmental part दिया हुआ है.
The center of the basal part is perforated by an aperture to provide entrance of the blood vessels and nerve from the dermis. ये आप dermal papilla like structure एक पढ़ते हैं, pulp cavity में present होता है, ठीक है, या dermal pore आप कहते हो, जिसमें कि nerves या blood vessels enter करती हैं और ये scale या tooth के growth के लिए responsible होती है. Placoid scales are closely set in skin but do not overlap each other and giving a sandpaper like quality to the skin. होमोलॉजी की अगर हम बात करें प्लेकोइड स्केल्स में, प्लेकोइड स्केल्स आर फोररनर ऑफ द वर्टिब्रेट्स टीथ बिकॉज द टू हैव एसेंशियली द सेम फॉर्म स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये हमने अभी भी डिस्कस किया. ग्रेडेशन फ्रॉम द प्लेकोइड स्केल्स टू द टीथ इज सीन इन द माउथ ऑफ अ शार्क. शार्क टीथ आर एनलार्ज्ड प्लेकोइड स्केल्स फॉर्मड इन द स्किन ऑफ जॉज एंड आर दस होमोलॉजी विद द प्लेकोइड स्केल्स. But there are objections to these suppositions and more recent view is that both placoid scales and teeth are modified remnant of the bony dermal plate found in the ancestral osteoderm and placoderm, so that teeth and placoid scales are homologous structure. Moreover, it has been shown that there is no epidermal enamel layer in placoid scales, but it is layer of vitrodentine formed by the mesodermal cells. तो इसमें कुछ जो है आप difference देख सकते हैं, जो कि आप इसको homologous देखिए, हर कोई भी view या कोई भी theory होती है उसके support में भी views होते हैं, उसके opposition में भी views होते हैं. इसके opposition में यहाँ पे ये बताया गया है, it has been reported that there is no epidermal enamel layer. जो tooth की structure पढ़ते हैं उसमें enamel हम पढ़ते हैं, hardest tissue, hardest part of the body, enamel, लेकिन वो scales में आपको नज़र नहीं आता है. Structure of placoid scales. Placoid scales के structure में हमने अभी बात की थी, there is यहाँ पे एक तो basal rhomboid plate present होती है, उसी के साथ में एक spine present होता है. Spine जो है वो body से बाहर निकला रहता है, जबकि basal body plate जो होती है rhomboidal plate, ये body में धसी हुई होती है, body के अंदर present होती है. Spine को अगर हम देख रहे हैं तो triradiated structure होती है, जिसमें median spine and two lateral spines present होते हैं. इसी के साथ में अगर इसका ventral view देखते हैं तो यहाँ पे pulp cavity present रहती है, जिससे कि blood vessels या nerve vessels enter करती हैं और scale की growth के लिए responsible होती हैं. Placoid scales are derived partly from the dermis and partly from the epidermis. इसी तरह से हमने tooth को अगर हम देखते हैं तो they are ectomesodermal. यहाँ पे enamel जो है वो ectoderm से develop होता है, बाकी पूरा का पूरा part जो है वो mesoderm से develop होता है, जिसमें हम dentine layer की बात करते हैं. Dentine is secreted by the odontoblast cells and enamel is secreted by the ameloblast type of cells. इसी तरह की structures को हम यहाँ पे देखेंगे. ये है यहाँ पे placoid scale के development को दिखाया हुआ है, ठीक है, and this slide is related with the development. Beginning यहाँ पे आप देख सकते हैं कि epidermis जो है epidermis के कुछ region जो है जहाँ पे कि ये present होंगे, ठीक है, जहाँ पे placoid scales को बनना होता है उसके नीचे के जो region होती है, यहाँ पे dermal layer होती है वो grow करती है, ठीक है. तो एपिडर्मिस की जो है एक्यूमुलेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल्स एपिडर्मिस की नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं डर्मल पैपिला. धीरे धीरे डर्मल पैपिला इवेजिनेट होता है और डर्मल पैपिला का साइज जो होता है वो बढ़ने लगता है. डर्मल पैपिला का सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ये बनाता है आपका ओडेंटोब्लास्ट सेल्स. ओडेंटोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट्स डेंटाइन और ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के जस्ट ऊपर वाली लेयर होती हैं, दिस इज नोन एज एमिलोब्लास्ट एंड एमिलोब्लास्ट सीक्रेट्स एनामल लाइक विट्रोडेंटाइन. देखिए विट्रोडेंटाइन इज एनामल लाइक प्रॉपर्टी, एनामल लाइक है बट इट इज नॉट ट्रूली एनामल प्रॉपर्टीज. विट्रोडेंटाइन एंड डेंटाइन, देन प्लेकोइड स्केल कंप्लीटली आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में डेवलप्ड है इन द फोर्थ सेक्शन. इसके पल्प कैविटी आप देख सकते हैं क्लियरली, पल्प कैविटी ओपन है यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे आपको नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंटर होती हुई नज़र आती हैं. इसके अलावा ये जो है आप देख सकते हैं एपिडर्मिस से बाहर की तरफ निकला हुआ है और जो आपकी बेसल प्लेट है वो इसमें अंदर की तरफ मेसोडर्म वाले एरिया में प्रेजेंट है. तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कि प्लेकोइड स्केल्स का डेवलपमेंट किस तरह से था, ए ग्रुप ऑफ मेसोडर्मल सेल्स ऑफ डर्मिस कलेक्ट इन द डर्मिस जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस टू फॉर्म ए डर्मल पैपिला. ये हमने अभी डायग्राम में देखा. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डर्मल पैपिला बिकम ओडेंटोब्लास्ट. द डर्मल पैपिला ग्रोज अपवर्ड पुशिंग द एपिडर्मिस, देन इट टेक द शेप ऑफ ए बेसल प्लेट एंड स्पाइन. यहाँ पे आप वापस देखते हैं
यहाँ पर आप देखिए एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मल पैपिला है एंड डर्मल पैपिला के जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट विल फंक्शन एज एन ओडोन्टोब्लास्ट एंड सीक्रेट डेंटाइन एंड ये जो डेंटाइन है ये आपका बेसल प्लेट और स्पाइन दोनों स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है. मेलपिगिन लेयर ऑफ द एपिडर्मिस ओवरलेइंग द डर्मल पैपिला इज नाउ कॉल्ड द एमिलोब्लास्ट फॉर्म द एनामल ऑर्गन विच फॉर्म द विट्रोडेंटाइन ओवर द डेंटाइन ऑफ द स्पाइन. Dermal papilla is a growing scale form pulp in the pulp cavity of the scale. Overlaying epidermis move away and also wear off so that spine project above while the basal plate remain embedded in the dermis. इसी तरह से आप देखते हो teeth जो है वो पहले gums में present रहता है उसके बाद में धीरे धीरे वो बाहर निकलता है. उस process को हम क्या कहते हैं cutting of teeth. ठीक है इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है प्लेकोइड स्केल्स पहले पूरी एपिडर्मिस में एम्बेडेड रहता है उसके बाद में जैसे जैसे स्पाइन इसका ग्रो करता है ये एपिडर्मिस को कट करता है एपिडर्मिस से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है और उससे बाहर की तरफ निकल के आता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लेकोइड स्केल्स हैं ये टीथ की तरह फंक्शन कर रहे हैं. यहाँ पे इनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है और जो लोअर जॉ है वहाँ पे ये प्लेकोइड स्केल्स परफॉर्मिंग एज लाइक टीथ. तो होमोलॉजी ऑफ द प्लेकोइड स्केल्स ये हम देख चुके हैं इन आवर फर्स्ट स्लाइड. सो थैंक यू. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद द प्लेकोइड स्केल्स एंड इट्स डेवलपमेंट. प्लेकोइड स्केल्स क्या है स्केल्स क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइप की स्केल्स होते हैं प्लेकोइड स्केल्स क्या है कहाँ पे पाए जाते हैं इनके होमोलॉजी किसके साथ शो करते हैं प्लेकोइड स्केल्स जो है वो टीथ के साथ उनके डेवलपमेंट उनका स्ट्रक्चर फंक्शंस इवन लोअर जो जो होते हैं वो लोअर जो जो प्लेकोइड्स एलास्मोब्रैंक के फिशेज है वहाँ पे प्लेकोइड स्केल्स मॉडिफाई हो जाते हैं टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक टीथ. इसके अलावा हमने इसका डेवलपमेंट देखा डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद द डेवलपमेंट ऑफ टीथ. सो आई होप आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हुए होंगे. थैंक यू.